आज यहां गुड्डा कॉलेज के इस मैदान में सरकार द्वारा आयोजित गुड्डा जिले में विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन सरकारी परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में हमारे साथ यहां उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्री आदरणीय आलमगीर आलम साहब, यहां उपस्थित पुड़ैया हाट विधायक हमारे बड़े भाई प्रदीप यादव जी, यहां उपस्थित महागमा विधायिका दीपिका जी, यहां उपस्थित हमारे प्रभारी सचिव अरुण सिंह जी, हमारे प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का जी, सचिव विनय चौबे जी, यहां उपस्थित जिला के जिला प्रमुख डीसी साहब, एसपी साहब, यहां उपस्थित संथाल परगना के डीआईजी आईजी साहब एवं सभी पदाधिकारीगण, और विशेषकर आज यहां उपस्थित गोड्डा जिले के विभिन्न प्रखंड पंचायतों से आए हुए आप सभी ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आप सभी का इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं अपनी ओर से आपका स्वागत करते हुए जोहार करता हूं। आज यहां कई जिलों से होते हुए आपके इस गोड्डा जिला में हम लोग पहुंचे हैं, और यहां पहुंचने का उद्देश्य मात्र ये है कि सरकार द्वारा की जा रही कार्यों की जमीनी स्तर क्या है, क्योंकि विगत अलग राज होने के 20 साल का जो अनुभव रहा है, लगभग सरकारें कागजों पर ही बहुत अधिक चली है, और वजह यह हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, या राज्य का कोई भी वर्ग हो, उनकी समस्या ज्यों का त्यों बना रहा, समस्याएं बढ़ती रही। ...2019 में हम सब लोगों ने मिलकर इस राज्य में सबसे अधिक राज्य को दिशा देने वाला हमारे विरोधियों को सत्ता से बेदखल कर हम लोगों ने सरकार बनाई, और सरकार भी बनी, और बनते ही बड़े अजीबोगरीब समस्याओं से हम लोगों को जूझना पड़ा। ऐसी समस्या जिस समस्या से पूरा देश संभल नहीं रहा था, उसमें झारखंड कैसे संभलेगा, यह हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो गई। आपने देखा होगा कि कोरोना के काल में जहां हमारे विरोधी दलों की सरकारें हैं, वहां पर लोगों की जानें कैसे जाती थी। कैसे लोग वहां मर रहे थे,
लोगों को दफन करने की जगह नहीं मिलती थी, जलाने के लिए लकड़ी खत्म हो चुका था, वहां पर जमीनें भी कम पड़ गई लोगों को दफन करने के लिए। ऐसे स्थिति में भी हम सब लोगों ने मिलकर, आप सब लोगों के सहयोग से इस वैश्विक महामारी का बहुत समय संयमता के साथ मुकाबला किया और धीरे धीरे उससे हम लोग बाहर आए। और अभी साल भर भी नहीं हुए हैं उस महामारी के गए हुए, अभी भी गया नहीं है, अभी भी छिटपुट किन्हीं किन्हीं राज्यों में उसका उतार चढ़ाव अभी भी बरकरार है। ऐसे स्थिति में और ऐसी महामारी सब झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के लिए एक अभिशाप के समान होता है, जहां किसान मजदूर वर्ग के लोग अधिक हो उनके लिए तो हम घर पे ताला बंद करके रहे तो मरने का स्थिति, बाहर जाए तो मरने की स्थिति, दोनों हाल दोनों तरफ हम लोगों के लिए समस्या ही समस्या। लेकिन आपको याद होगा जब ऐसी महामारी 2019 के पहले या उससे पहले कभी इस देश और दुनिया में नहीं था, उस समय इस राज्य में डबल इंजन की सरकार हुआ करती थी, उस समय लोग हाथ में राशन कार्ड ले करके भूखा मरने पर मजबूर हुआ। लेकिन इस महामारी में भी जब हाट बाजार गाड़ी मोटर सब कुछ बंद था, सब लोगों को गाड़ी सब लोगों को घर में ताला लगा करके बंद रहने पर मजबूर होना पड़ा, उस समय भी हम लोगों ने एक भी व्यक्ति को झारखंड में भूखा नहीं मरने दिया था, बल्कि इस संक्रमण में हम लोगों के अनेकों मंत्री हम लोगों ने गवाए खोया, कई विधायक अभी भी संक्रमित पड़े हुए हैं विभिन्न अस्पतालों में। झारखंड सिर्फ गोड्डा जिला पिछड़ा नहीं है, बल्कि यह पूरा प्रदेश पिछड़ा हुआ है। सरकार बनने के बाद जब हमने इस पर जानने समझने का प्रयास किया कि आखिर कारण क्या है कि झारखंड इतना पिछड़ा है, इसका विकास क्यों नहीं होता, आखिर 20 वर्षों तक हुआ क्या, जब इन समस्याओं को जानने का हमने प्रयास किया तो अजीबोगरीब हालत हमें अंदर खाने देखने को मिला। 20 वर्षों में सिर्फ इस राज्य को लूटने और खसोटने का योजना बना, कागजों में खाली कार्रवाई हुई, धरातल पर कोई भी चीजें नहीं आ पाई। हमारे बूढ़े बुजुर्ग की बात कहें, विधवा महिलाओं की बात कहें, असहाय विकलांग लोगों की बात कहें, किसानों की बात कहें, मजदूरों की बात कहें, आज उन एक एक समस्या का समाधान हम कर रहे हैं। आज यहां आप ढेर सारा स्टॉल लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे इस मैदान किनारे में, और कई पोस्टरें लगी हुई है। ये फोटो पोस्टर नहीं है, ये ग्रामीण स्तर के लोगों के लिए जो हमने कार्य योजना बनाया है उसके लिए ये स्टॉल हम लोगों ने खोला है, ताकि आप लोग के सामने विभिन्न तरीके से योजनाओं को आपके समक्ष रखें और आप उसका लाभ लें। पहले तो सरकार कागजों में चली और इस राज्य का जो भौगोलिक बनावट है वो
वो बहुत अजीबोगरीब है, कोई पहाड़ के ऊपर है, कोई पहाड़ के नीचे, कोई नदी के किनारे, कोई नाला के किनारे, बहुत दुर्गम जगह है जहां कभी ना सरकार की आवाज पहुंचती थी, ना सरकार की नुमाइंदे पहुंचते थे, ना सरकार की योजनाएं पहुंचती थी। कभी प्रयास नहीं हुआ, और इसीलिए आपने देखा होगा इस वैश्विक महामारी में भी हम लोगों ने आप तक पहुंचने का, सरकार की आवाज पहुंचाने का, सरकार की योजना पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया, और जिसके तहत हर पंचायत में हर घर के बाहर सरकार आपकी द्वार का योजना का कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया था। सभी पदाधिकारी आपके दरवाजे तक पहुंच रहे थे, आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे थे। लाखों हमारे पास विज्ञापन आए, लाखों विज्ञापनों का समाधान भी किया गया, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, इसमें और भी हमें जड़ तक जाना होगा, क्योंकि इन लोगों ने जड़ पे हमारा हमला किया और जड़ को ही इन लोगों ने सुखाने का प्रयास किया है। अभी फिर से उस जड़ को मजबूती देने की आवश्यकता है, और हम समझते हैं कि जो हमारा राज्य का अधिकतर संख्या जो हमारे लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में है, जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, उनको हम कैसे मजबूत करें। आज हम लोगों ने कई रास्ते अपनाए जिसके माध्यम से किसानों को हम मजबूत करने पर लगे हैं। धान खरीद की भी अगर हम बात करें, हम लोगों ने 20 सालों का रिकॉर्ड हम लोगों ने एक साल में बनाया है, इतना धान अभी प्राप्ति की है। लेकिन धान खरीद के सरकार करेगी भी क्या, हम तो और धान खरीदना चाहते हैं और उसको प्रोसेस करके गरीबों तक बांटना चाहते हैं, लेकिन विभाग से 20 वर्षों में इसका कोई रास्ता निकाला ना गया हो कि इस धान को लेकर करेंगे क्या। इस राज्य में राइस मिल नहीं हुआ करते थे, और अभी हम लोगों ने हाल में ही बड़े पैमाने पर राइस मिल का स्वीकृति दिया है, विभिन्न जिलों में राइस मिल स्थापित हो रहे हैं, और आने वाला समय में किसानों से और भी अधिक धान खरीद करके उसका पूरा प्रोसेसिंग करके गरीबों में बांटा जाएगा। हम लोगों ने कई गोडाउन्स बनाने में लगे हैं ताकि उसका भी रख रखाव हम सही तरीके से उमन आजुगा कर सके। तो कई ऐसी चीजें हैं, हमारे इस क्षेत्र में पशुपालक भी बहुत है, गोड्डा साहेबगंज पाकुड़ क्षेत्र में, और आपने सुना होगा कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने यहां साहेबगंज में साहेबगंज जिले में मेगा डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया है, और उसका अब हर पंचायत हर प्रखंड में उसका कलेक्शन सेंटर खुलने जा रहा है, जहां आप अपना दूध बेच सकते हैं, और किसानों को पशुपालकों को भी हम लोगों ने पिछले बार 1 लीटर में 1 रुपया सम्मान राशि देने का काम किया। अब इस बार उन पशुपालकों को 1 रुपया से बढ़ाकर हम लोगों ने 2 रुपया किया है। जितना जय बार भी आप आएंगे अपना दूध लेकर के 1 लीटर में 2 रुपया आपको सरकार एडिशनल देने का काम करेगी। कई ऐसी चीजें, मैं योजनाओं को गिनाना शुरू करूं तो शायद ये समय भी छोटा पड़ जाएगा। आज थोड़ा सा हम लोगों के बीच एक दुखद घटना घटी है, जिसके माध्यम से हम आज बहुत ज्यादा आपके बीच में रह नहीं पाएंगे, हम लोग को बाहर भी जाना है, इसलिए चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी क्षेत्र में रहने वाला लोग हो,
सभी लोगों के लिए सरकार संवेदनशील है। रोजगार विभिन्न तरीके से हम लोग सृजन कर रहे हैं, स्वरोजगार आप ले का काम कर सकते हैं। नौकरी के विषय में तो आप लगातार देख रहे हैं कि इतिहास में कभी भी 20 वर्षों में इन लोगों ने यहाँ के नौजवानों का भविष्य को सुरक्षित करने का काम नहीं किया। जो नियुक्तियां के लिए हजार दिन से ऊपर लगते थे, आज उन सब नियुक्तियों को हम लोग 200 दिन में कर रहे हैं, 250 दिन में कर रहे हैं। आज पारा शिक्षकों की समस्याओं को देख लीजिए। आज जो शिक्षक 12 महीने में 11 महीने सड़कों पर रहते थे, ना जाने कितने लोग मारे गए इनके, आज उनका समस्या जड़ से हम लोगों ने खत्म किया। आज वो 11 महीना स्कूलों में बिताते हैं। ऐसे कई वर्ग हैं, इन लोगों ने अनुबंध पर, ठेका पर, कॉन्ट्रैक्ट पर कई लोगों को बहाली किया। किसी को मानदेय समय पर नहीं, किसी के लिए कोई नियमावली नहीं बना, तो कभी भी किसी को बाहर कर दिया जा रहा है, किसी को रख लिया जा रहा है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, चाहे कॉलेज में लेक्चरर प्रोफेसर हो, सभी जगह बहुत सारे होल झोल करके इन लोगों ने रखा हुआ है। आप बताइए, 32 सालों में पहली बार किसानों की, किसान पदाधिकारियों की नियुक्ति, बताइए। आज हम चांद पर जा रहे हैं, खेती में नई नई तकनीक ला रहे हैं, लेकिन उन किसानों को समझाने वाला कोई व्यवस्था नहीं। कौन बताएगा किसानों को कि आज सीमित संसाधन में अधिक उपज आप कैसे कर सकते हैं? बारिश का हालत आप देखते हैं, भगवान भरोसे यहां किसान जी रहा है तो सरकार किस काम का जी? इसलिए आप लोग आश्वस्त रहे, हमारी पूरी संवेदनाएं हैं किसानों के प्रति, और इसके लिए हर वो रास्ते अपनाए जाएंगे जिससे किसान को उसका लाभ मिल सके। आज सौर ऊर्जा को लेकर के प्रदीप यादव जी ने कुछ बातें कही हैं, स्वास्थ्य को लेकर दीपिका जी ने कुछ बातें कही हैं, हमारी ये बातें संज्ञान में है। और आप लोग जानते होंगे यहाँ के किसान भाई कि आज कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो स्वर योजना के माध्यम से हम लोग उसको उनको संचालित कर रहे हैं। कल हम लोगों ने विधिवत रूप से स्वर ऊर्जा पर एक नीति लाया है, और निश्चित रूप से उस नीति के लागू होते ही इस राज्य में जो बिजली की जो हमारा एक सब्स्टिट्यूट ऑप्शन मिलेगा, जो अभी हमें विद्युत कोयला से उत्पादन करते हैं, कोयला की आवश्यकता ना पड़े, हम बिजली से ही उसका सौर ऊर्जा से ही उसका हम हल निकाल लें। आज निश्चित रूप से सौर ऊर्जा के विषय में या ऊर्जा के विषय में बिजली को लेकर, बिजली आजकल हर व्यक्ति, हर वर्ग का लोग, हर उम्र के लिए, जैसा हमें खाने की हर दिन जरूरत पड़ती है जीने के लिए, उसी तरीके का बिजली का भी हालात हो गया है कि बिजली नहीं रहने से कितनी परेशानी होती है। और आजकल कोरोना जैसे समस्या ने तो कई समस्याओं को उधेड़ के रख दिया, सभी सरकारों की पोल खोल दी कि किसने काम किया है, किसने काम नहीं किया। आज ऑनलाइन व्यवस्था से शिक्षा का कार्यक्रम चला, लेकिन काम पहले से उसके लिए कोई आधारभूत व्यवस्थाएं बनी रहे तब तो हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे। गिने चुने कुछ कॉन्वेंट प्राइवेट के बच्चों ने तो शिक्षा ग्रहण कर लिया। जो आर्थिक रूप से मजबूत लोगों ने अपने बच्चों को तो ठीक ठाक पढ़ा लिया, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का क्या होगा? इसीलिए हम लोगों ने भी यह संकल्प लिया है, और बहुत तेजी से अभी पहले चरण में सभी जिले में एक भव्य मॉडल स्कूल हम बना रहे हैं, जो हमारे इस राज्य के प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर होगा, जहां हमारा गरीब पढ़ेगा और मुफ्त में पढ़ेगा।
और हर वो सुविधा वहां उस स्कूल में उपलब्ध होगा जो हमारे प्राइवेट स्कूल के लिए हम प्राइवेट स्कूलों को खोजते हैं। हर जिले में अभी पहले चरण में, फिर हम ब्लॉक में जाएंगे, फिर पंचायत में भी जाएंगे। निश्चित रूप से इन सब कार्य को करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। हर क्षेत्र में समस्याएं हैं। आज बूढ़ा बुजुर्ग के आज पेंशन को लेकर देखिए, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, लोगों के वृद्धा पेंशन, लोगों के राशन कार्ड, विधवा पेंशन की समस्या समाधान किसी के पास नहीं था। लेकिन आज इस सरकार ने पूरे जिम्मेदारी के साथ उन असहाय व्यक्तियों के प्रति अपने संवेदनाएं दिखाई है, और आज इसलिए हर पेंशन को हम लोगों ने यूनिवर्सल करने का निर्णय लिया, जिससे आज 60 साल का हर एक बुजुर्ग को पेंशन देने का काम सरकार कर रही है। लगभग 1.5 लाख पेंशनधारी हम लोगों ने आपके गोड्डा जिले में लोगों को सेंक्शन किया है, और अभी ड्राइव भी चल रहा है विशेष रूप से, और खोज खोज कर कौन पेंशन नहीं, जिसको मिल रहा है उसको कैसे पेंशन मिले, इसका काम भी चल रहा है। तो ऐसे कई चीजें हैं। निश्चित रूप से आज 20 सालों का जो घाव है, और ऊपर ही कोरोना का जो घाव है, जिसका मार सिर्फ झारखंड नहीं पूरा देश उसका दंश झेल रहा है। आज अर्थव्यवस्था का हालत आप देखें तो आज रुपया जिस तरीके से लड़खड़ाया हुआ है, औंधे मुंह पैर के बल नहीं सर के बल गिरा हुआ, आज के दिन में भी जो स्थिति है महंगाई का वो किसी से छुपा नहीं है। आने वाला समय में किसान, मजदूर, गरीब कैसे जिएगा, ये बहुत बड़ा चुनौती है। आज हमारे यहां से दूसरे राज्यों में काम करने जाने वाले हमारे मजदूर, उनका जीवन हमेशा खतरा में रहता था, और आज सरकार की संवेदनाएं है उन मजदूरों के लिए कानून बनाते हुए देश के या दुनिया के किसी भी कोने में झारखंड का किसी भी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो सरकार उसके साथ खड़ी होकर उसको हर सहायता मौजूद उपलब्ध कराने का काम करती है। हम लोगों ने अलग अलग जगहों से कई मजदूरों को कई दुर्गम जगह पर पहुंचे हुए लोगों को वापस लाने का काम किया है। इसलिए साथी, हर समस्या का समाधान है, लेकिन समाधान निकालने के लिए आदमी की इच्छा शक्ति क्या हो सकता है। और आज इसीलिए हम लोगों ने लोगों को पेंशन देने का निर्णय लिया, हम लोगों ने अतिरिक्त राशन कार्ड बांटा, हम लोगों ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन करने का काम किया, नौकरियों के दरवाजे खोले, और आज आप देखेंगे आप लोगों के सहयोग से इस राज्य को बेहतर दिशा हम देने में कामयाब होंगे। हर वर्ग का लोग, हर क्षेत्र में रहने वाला, काम करने वाला व्यक्ति पूरा आजादी के साथ और पूरा सुरक्षित तरीके से निर्भीक होकर काम कर सकेगा। सिर्फ एक क्षेत्र में काम करने से नहीं होगा। आज इसीलिए आप लोगों को सरकार का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। आप लोगों के ये सरकार आप ही के लिए बनी है, और एक एक समस्या का समाधान हम निश्चित रूप से आपके लिए निकालेंगे, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र के लोग हो। आज यहां कई सारी चीजें उद्घाटन होना है, कई सारी योजनाओं का शिलान्यास होना है। अभी उन शिलान्यास कार्यक्रमों में
हमारे स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद महोदय हिस्सा लेंगे। हम लोग और भी कार्यक्रमों के लिए बाहर हमें जाना है। इन्हीं चंद शब्दों को कहकर मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार।